मौसम में पटाखों पर लगी रोक, सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे ही जलाने की इजाजत। पीएम मोदी कल लेंगे कैबिनेट की बैठक, चुनावी राज्यों में केंद्र की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 577 अंकों की उछाल के साथ खुला। बीते 24 घंटे में देश में 14,306 नए कोरोना मामले हुए दर्ज, 443 मरीजों की हुई मौत। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन, खीर भवानी मंदिर का किया दर्शन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। वहां वाराणसी वे मेहंदीगंज में जनसभा कर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में ही उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। ये देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी और सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गदौलिया से देश दशाश्वमेध घाट तक खूबसूरत गुलाबी पत्थरों से बने गलियारों का शुभारंभ करेंगे। सड़क के दोनों तरफ की प्राचीन इमारतों को उनके मूल स्वरूप में स्वरूप के साथ ही खूबसूरत बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो जगह का दौरा एक साथ है। आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी ने जनता को कई सौगातें दी हैं और उसके बाद अब वो बनारस के लिए रवाना हो गए, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम होने हैं और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां से लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सकेगी। आपको बता दें पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसके बाद वो अब वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में मेहंदीगंज में जनसभा कर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एक ऐसी योजना है जो भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। दोनों एक बार फिर सिद्धार्थनगर की तरह ही बनारस से जनता को संबोधित करेंगे, अपने कार्यों के बारे में जनता को जानकारी देंगे और साथ ही ये योजना एक किस तरह से जनता के लिए लाभप्रद होंगी और साथ ही किस तरह से जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ मिल सकेगा, इस बारे में भी पूरी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ करेंगे बनारस में। ये देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी और सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक खूबसूरत गुलाबी पत्थरों से बने गलियारों का शुभारंभ करेंगे। तो विकास के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हो, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचकर वहां पे भी कई सौगातें देते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ नितिन कुमार, तो उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो नितिन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर का दौरा हुआ, बनारस जाएंगे, तो क्या कुछ सौगातें दे सकते हैं बनारस से? नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शिखा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, मेरी आपको मिल रही है? जी नितिन, मैं अपना सवाल बताना चाहूंगी। आज मोदी एक दिन के दौरे पर है उत्तर प्रदेश में, तो अब सिद्धार्थनगर से तो कई योजना का शुभारंभ कर चुके हैं, बनारस से कौन सी सौगात दे सकते हैं?
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश में, और ये एक महीने में पांचवा दौरा है उनका जो वो उत्तर प्रदेश में बिता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं और जो पटकथा है बीजेपी की तरफ से वो अब लिखनी शुरू हो चुकी है, और उसके जो कहीं ना कहीं मुख्य जो कलाकार के रूप में, मुख्य नायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि पीएम मोदी इलेक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हो जाएंगे, और उसी को देखते हुए ये एक महीने में पांचवा दौरा प्रधानमंत्री का लगा हुआ है। आज सिद्धार्थनगर में वो थे, इस दौरान उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश को दी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीती सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में बिल्कुल भी कारगर नहीं थी, लचर रवैया था, भ्रष्टाचार की साइकिल तक उन्होंने समाजवादी पार्टी को बोल दिया, और ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विकास की जो बयार है वो बह रही है। लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था सिद्धार्थनगर में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के द्वारा संबोधित करते हुए जनता को सौगात दी है, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो 9 मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि कहा यही जा रहा था बीते दिनों से कि उत्तर प्रदेश में जो बीती सरकारें रही हैं उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बेहतर काम नहीं किया, कई सारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो बंद हो गए हैं, लेकिन अगर विपक्षियों की बात सुने और विपक्षियों का बात कही जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाई है, तो एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री की तरफ से आज उत्तर प्रदेश को दी गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाएंगे, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, और बनारस में भी वो कई सारे जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने वाले हैं, कुछ लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम है वहां पर वो शिरकत करेंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने संसदीय क्षेत्र में भी वो जायजा लेंगे कि किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जिनसे जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, और उन समस्याओं से कैसे उन्हें निजात दिलाया जा सकता है। तो ये सारा जो जो रूपरेखा है जो कार्यक्रम की वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो लगभग तय हुई कि दूसरी लहर के दौरान और अब तीसरी संभावित लहर की आशंका जताई जा रही है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो तीसरी लहर से बचने में कितना कारगर साबित होगी ये पहल? देखिए उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज अगर उनका लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम जो आज हुआ है ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर को अगर हम कोविड से इसको जोड़कर देखें, क्योंकि जो शुरुआत की 2 लहर आई थी कोविड की उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो बेड थे वो नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखने को मिली, और आज इस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई ऑक्सीजन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि उनके लिए आने वाले दिनों में समस्याएं पैदा करेगा, तो ऐसे में ये जो 9 मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं इनमें जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वो भी बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ा चढ़कर लगाए गए हैं, उन पर काम किया गया है, तो सरकार पूरी तरह से फोकस करे हुए है कि कोविड की जो तीसरी लड़ाई है, तीसरी जो लहर है उससे कैसे लड़ना है, और इस बार जो पेशेंट्स होंगे उनको एडमिट होने में, उनको भर्ती होने में कोई समस्या ना हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोविड जब जब आता है एक नए रूप से आता है, पहला जो कोविड आया था उसका दूसरा रूप था, जो दूसरी लहर आई उसमें ऑक्सीजन का रूप वो लेकर आ गया, अब तीसरी लहर में वो क्या बनकर आता है, कैसे आता है, ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सरकार अपनी तरफ से तैयारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सबके बीच में जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो काफी गरमाई हुई है आशिका, क्योंकि आज देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से विपक्षियों पर काफी हमले बोले हैं, उन्होंने समाजवादी की साइकिल को भ्रष्टाचार की साइकिल तक कह दिया, उन्होंने कहा कि बीती सरकारों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं पर बिल्कुल भी फोकस जो था वो बीती सरकारों का नहीं रहा है, बीते मुख्यमंत्रियों का नहीं रहा है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी दुरुस्त नहीं थी, और अब हमें उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ रहा है, सुविधाओं को बेहतर भी बनाया और साथ ही राजनीति भी कर ली और विपक्ष पर निशाना भी साधा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो सीधे तौर पर देखा गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और भी कई अन्य सौगातें देते हुए नजर आएंगे और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आए मंच से, क्योंकि राजनीति देखने को मिल रही उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते हुए नजर आते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। सुरेंद्र सिंह सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तुलना की और भैंस से सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने भैंस को नहला धुलाकर अपने यहां रखा था लेकिन भैंस फिर गंदगी में चली गई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार एक मैं कहानी कह रहा था
एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें, तो उसने जो उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खुद मांझ धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रसिन लगा करके उसके जहां बैठता था वहां बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया, जिसे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहां किसकर से रहा मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहां गड्ढा मिलता है वहां गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर गंदे जगह। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम केजरीवाल पहले सुल्तानपुर जाएंगे, वहां से वो अयोध्या में रामलला और बजरंग बली के दर्शन करेंगे। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दीवानी के MP MLA कोर्ट में हाजिर होंगे। वहीं शाम को अयोध्या में सरयू आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने का भव्य स्वागत किया। बता दें कि केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। पहला मामला कुमार विश्वास के साथ बिना अनुमति के जनसभा करने का है, जिसका मुकदमा गौरीगंज थाने में दर्ज हुआ था। दूसरा मुकदमा मुसाफिर खाना में दर्ज हुआ था। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने और देशद्रोह के बराबर बताया था। तो इस दोनों मामलों को चलते उनके ऊपर 2 मामले दर्ज है, जिसके चलते आज वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और लखनऊ पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। वहीं फतेहपुर में नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया गया, जहां नवनिर्मित चौक में जन सहयोग का योगदान रहा है। नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन समारोह में प्रदेश के खाद्य और रसद राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भव्य तरह से उद्घाटन किया गया है, जन सहयोग का योगदान रहा है, नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया गया है। वहीं अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां करवा चौथ का त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया गया। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नारी बंदी निकेतन लखनऊ की है ये तस्वीरें, जहां कुल 185 महिला बंदी हैं। यहां केवल 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और फांसी जैसी लंबी अवधि की सजा से सजायाफ्ता महिलाएं ही रखी जाती हैं। इनमें से 50 महिला बंदियों ने अपने सुहाग की रक्षा हेतु करवा चौथ का व्रत रखा और परंपरागत तरीके से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये बंदी गृह से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बंदियों ने अपने पति के लिए उनकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास रखा। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने अपने उपवास को खोला। आगामी त्योहारों के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मथुरा शहर कोतवाली के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी और शहर कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश कृष्ण, नगर पुलिस चौकी प्रभारी अजय अवाना ने भारी पुलिस बल के साथ कृष्णा नगर बाजार में पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और शोरूम पर तैनात गार्ड्स को जरूरी निर्देश देते हुए और अराजक तत्वों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र बाजार मोती मंजिल सौंख रोड गोवर्धन चौराहा भूतेश्वर मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला। संभल में विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर जन कल्याण समिति की ओर से विश्व पोलियो दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटपूर्वी स्थित सनातन पब्लिक स्कूल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए समाज सेवी कपिल सिंघल ने कहा कि ये बेहद खुशी का मौका है कि भारत पोलियो मुक्त है और पोलियो के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करने वाले सभी प्रभावशाली व्यक्ति और अभियान से जुड़े सभी समाज सेवी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग बधाई के पात्र है। कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त
विकास नगर के डायरेक्टर इमरान तुर्की ने कहा कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत की तर्ज पर पोलियो अभियान चलाए तो इन दोनों देशों में पोलियो उन्मूलन हो सकता है और दुनिया से पोलियो वायरस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम भारतीयों ने एजुकेशन होकर और पोलियो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार जन जागरूकता लाकर कोरोना के खिलाफ भी जंग अवश्य जीत लेंगे। थाना हाईवे क्षेत्र के अमर कॉलोनी में रहने वाले प्रताप सिंह रिक्शा चालक ने 6 महीने पहले पैन कार्ड बनवाया था, जिसके चक्कर में विभागों में लगातार चक्कर लगा रहा था, मगर उसे कई विभागों द्वारा टहला दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन पूर्व प्रताप सिंह के पैन कार्ड का स्थान संजय को बताया गया। पैन कार्ड को लेकर पीड़ित अपने घर पहुंचा, उसके 3 दिन बाद इनकम टैक्स ने 3 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस रिक्शा चालक को थमा दिया। प्रताप सिंह इनकम टैक्स की नोटिस कॉपी लेकर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। गाजीपुर का बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज कल 25 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जनता के लिए लोकार्पित कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियों के लिए जिला और स्वास्थ्य विभाग ने दिन रात कर एक तैयारियां की। महज 3 साल से बनकर तैयार महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस दिन प्रधानमंत्री प्रदेश के कुल 9 मेडिकल कॉलेज का उन्होंने आज शुभारंभ किया। लोकार्पण और सिद्धार्थनगर जनपद से किया गया और इसे जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और करदाई संस्था के अधिकारियों सहित अंतिम रूप दिया गया है। उन्नाव पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भिकरियापुर का मामला है, जहां ऑनर किलिंग के चलते दोनों की हत्या हो गई थी। प्रेमिका के पिता और चाचा ने गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों के शवों को तेजाब से जलाकर फूंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ कर घटना को कबूल कर लिया गया है। तो ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पिता और चाचा द्वारा ही बेटी की हत्या कर दी गई। उसके बाद तेजाब से जलाकर राख कर दिया गया। उन्नाव से ये खबर सामने आई है, जहां दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। रविवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने प्रिय त्योहार करवा चौथ के अवसर पर सज सवर कर अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जल व्रत रखा और सास ससुर और परिवार के बुजुर्गों को बायना देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना की। पतियों ने भी अपने पत्नियों के लिए प्रेम स्वरूप उपहार भेंट किया और देर शाम चंद्रमा के दर्शन कर पति के साथ उनके हाथों से जल ग्रहण कर अपने व्रत को संपन्न किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लखनऊ शाजापुर अयोध्या की है, जहां चांद का दीदार करने के बाद महिलाओं ने अपने व्रत को पूरा किया। महिलाओं ने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। लखनऊ से, अयोध्या से, शाहजहांपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे विधि विधान के साथ गीत का लुत्फ उठाते हुए, पारंपरिक गीतों का लुत्फ उठाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, चांद को अर्घ देकर पति के हाथों जल ग्रहण करके पूरा दिन के निर्जल उपवास के बाद अपने व्रत को संपन्न किया। लखनऊ शाहजहांपुर अयोध्या की तस्वीर देखी आपने कि किस तरह से महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।